नमस्कार मंडळी, ट्रॅव्हलिंग हरीच्या नवीन एका एपिसोडमध्ये मी अरे सुरेंद्र पडवा पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो आहे. मुंबईच्या CST जवळ असणाऱ्या क्रॉफर्ड मार्केटमधून ख्रिसमस जवळ आलं आहे मंडळी, आणि ख्रिसमसमध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट लागते गिफ्ट द्यायला वगैरे, ती म्हणजे चॉकलेट. आणि मुंबईमध्ये क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये सगळ्यात स्वस्त चॉकलेट्स मिळतात, तर ते तुम्हाला दाखवण्यासाठी आलेलो आहे. तर आजचा ब्लॉग हा चॉकलेट विषयी असणार आहे. किती व्हरायटीचे चॉकलेट्स मिळतात हे आपण जाणून घेणार आहोत. बघू शकता मी क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये आहे आणि द चॉकलेट शॉप, शॉप नंबर 290 & 291 हा शॉप आहे. आणि समोर बघू शकता हे शॉप आहे, इथे A to Z पूर्ण चॉकलेट्स आहेत. या शॉपचे ओनर दादा, आपका नाम कैसे? आदिल भाई इथे आहेत आणि त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी आपण तुम्ही बघू शकता की इकडे संपूर्ण चॉकलेट आहे, हे क्रॉफर्ड मार्केट आहे. माझ्याबरोबर मामाचा मुलगा शार्दूल आणि तुषार आहे, आणि दुपारचा 1 वाजता आहेत आणि आज संडे आहे, त्याच्यामुळे थोडीशी गर्दी कमी आहे. नाही तर एरवी हे पूर्ण भरलेलं असतं मार्केट. तुम्ही बघू शकता इकडे संपूर्ण ड्रायफ्रुट्स मार्केट, परफ्यूम मार्केट वगैरे आहे, विविध शॉप आहेत. आणि हे 290 & 291 नंबरचं हे शॉप, कॉर्नरचं शॉप आहे. तुम्ही बघू शकता इथे संपूर्ण A to Z चॉकलेट्स तुम्हाला मिळतील. संपूर्ण चॉकलेट तुम्हाला बघायला मिळते. आता कोण, आता आदिल भाईंकडे वळूया आपण, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. आपका नाम कैसे भाई? युसुफ भाई पण आहेत, ते पण या शॉपचेच भाग आहेत. तर आता आपण आदिल भाईंकडे वळूया. आणि आदिल भाई नगर युसुफ भाई नगर, युसुफ भाई क्या कैसा कैसा चॉकलेट मिलता है आपके पास? कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक मिलता है? 100 रुपीज़ से लेकर आपको 1000-1500 रुपीज़ तक यहाँ पे वैराइटीज़ देखने को मिल जाएगी. 100 से लेकर 1500 म्हणजे 100 रुपयापासून मंडळी बोलले की 1500 आहेत सगळे चॉकलेट. तर आता आपण थोडं डिटेलिंगमध्ये जाणून घेऊया. आदिल भाई बताओ ना, ये कौन कौन सा चॉकलेट है आपके, ये कौन सा चॉकलेट है? ये वेफर बिस्किट्स हो गया, मार्शमेलो है, जेली है, ओके कॉफीज है, चॉकलेट वगैरह सब मिले. ओके, ये मार्शमेलोज है? मार्शमेलोज है. ये अलग अलग फ्लेवर के आते हैं ना? सब अलग अलग असॉर्टेड फ्लेवर्स आएंगे. ओके, और गिफ्ट देने के लिए कौन सा बेस्ट चॉकलेट आप बताओ? जैसे आपका सीजन रहेगा वैसा गिफ्टेबल आइटम यहाँ पे सब डिफरेंट चीज, अलग अलग वैरायटी आने लगेगी. हाँ. गिफ्ट के तो अभी फिलहाल में गिफ्ट का कोई फेस्टिवल नहीं है, क्रिसमस वगैरह है, तो ये कैंडी कैन वगैरह मिलेगा आपको. अच्छा, ये क्रिसमस के लिए है ना? ओके, आदिल भाई अंदर आ सकता हूँ? अंदर जाके देखो. ओके, अंदर जाते हैं. मंडे आत्मदे जाओ यार, सर थोड़ा साइड दो ना. 20 म्हणजे आतमध्ये आलेलो आहोत आणि आपल्याबरोबर आदिल भाई आहेत. आदिल भाई अभी जैसे ओके, आदिल भाई अभी जैसे क्रिसमस आ रहा है ना, तो क्रिसमस के लिए कौन सा चॉकलेट आप सजेस्ट करोगे, क्या है आपके पास बेस्ट? मेरे पास अवेलेबल सिर्फ ये कैंडी क्रश है. कैंडी क्रश, अच्छा. इसमें 2 फ्लेवर्स है. हाँ, स्ट्रॉबेरी है. स्ट्रॉबेरी और वनीला कुछ है. हाँ. ओके, और गिफ्ट देने के लिए और कौन सा बेस्ट है आपके पास? मतलब जैसे यहाँ पे आप मैं देख पा रहा हूँ ओरियोज वगैरह है, थोड़े मंडळी ग्राहक असल्यामुळे थोड़ी त्यांची धावपळ पण आहे. अच्छा, कहाँ की? ईरान की? यूके. क्वालिटी स्ट्रीट. ओके, ये यूके की है. बताओ जरा, मतलब ओपन कर सकते हो? पैक है ना? ओके. कितने की आती है ये? 1350 की है, 1 kg का. 1 kg क्या, 1350 का. ओके, और कौन सा, ये क्या है? ये सब यूके की है, गैलेक्सी चॉकलेट्स है, क्विक्स है, क्विक्स में फ्लेवर्स वाले हैं, यूके की फ्लेवर है. यूके की है. ओके, ये जो फरेरो रोशर है वो कितने की है? टर्किश की है. टर्किश है, टर्किश है. उसमें और भी वैरायटी अलग अलग भी आते हैं, इंडियन भी आते हैं. अच्छा अच्छा, और ये जो छोटे छोटे चॉकलेट्स है इनका क्या रेट है? ये निकालो ना, बताओ ना. ये 200 के. कितना ग्राम है वो? 7 ग्राम से. ओके, और ये बाजू वाली? ये 280 से. अलग अलग प्राइस है क्या जी? ये अलग अलग रेंज है ना. ये कितने केजी की है ये? इसमें केजी की आता है ये 500 ग्राम से. 500 क्या रेट है इसका? ये 280 की पैकेट है. ओके, ये सेम फ्लेवर है उसमें की अलग अलग फ्लेवर है? चॉकलेट, कैरेमल, स्ट्रॉबेरी. ये एक ही पैकेट में ना? मंडळी हे तुम्हाला कितने का आएगा बोली आप? 280 280 है मंडळी. आणि कितना ग्रॅम? 500 ग्राम. 500 ग्राम म्हणजे 1/2 किलो तो पॅकेट तुम्हाला 280 येईल. आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरचे तुम्हाला याच्यामध्ये कॅरेमेल चॉकलेट मिळून जाते. इसमें ऑरेंज है, कॅरेमेल है, स्ट्रॉबेरी है, वॅनिला. इसमें 5 फ्लेवर मिक्स है. ओके,
और ये कैंडीज में क्या है नीचे? कैंडीज है, फॉक्सेस कैंडीज ये लो ना। ओके यहाँ कैंडीज आयत मंडल है, और तुम्हें बोल सकता गमी में चॉकलेट से हरी बोल जेली जेली चॉकलेट से। ये कितने का होता है? ये 180 का है। 180 160 ग्राम से। हाँ ओके तर मंडळी असं आहे, तुम्ही येऊ शकता आणि इकडे खरेदी करू शकता। इथे कॉफीच्या डिफरंट व्हरायटीज बघू शकता। ये कॉफी और ये नेस कॉफी तो रेगुलर चलता है, नेस कॉफी है, पता है अपने को। ये निकालो जरा, ये कितने को है वो? 1400। ये जो आप बाहर लेंगे ना, हाँ? लेंस 780 ऐसा कुछ प्राइस रहता है, और यहाँ पे आपको 480 में मिलेगा। 480 है ना? अच्छा होलसेल मार्केट है इसके लिए। ये कहाँ का इंडियन ब्रांड है या? नहीं, बाहर की है। बाहर के है। और कौन सा? ये क्या है ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये क्या है? मेयोनीज है क्या? मेयोनीज है, सॉसेज है, गार्लिक है। ओके ये मतलब ये इम्पोर्टेड वाले। हाँ आदिल भाई, बाहर हम लेने जाते हैं और आपके शॉप में लेते हैं, तो कितना मतलब डिस्काउंट, कितना फर्क, रेट का फर्क होता है? बाहर से समझो ना, अभी अगर कॉफी लेंगे ना, हाँ 799 ऐसा कुछ बाहर आपको मिलेंगे। 799 ओके। होलसेल मार्केट में आपको 480-450 ऐसा मिलेगा। मतलब तकरीबन 200-250 रुपये का फर्क गिरता है। फर्क गिरता है। और चॉकलेट्स में कितना फर्क गिरता है सर? चॉकलेट में भी सब वही है, मतलब 200-250 रुपए का डिफरेंस आएगा। ओके और जो बाहर जो चॉकलेट है ये सेम है या अलग भी कुछ है? ये तो सब अलग अलग ही है। नहीं, जो बाहर जो आपने रखे उसमें कुछ अलग है? बाहर भी अंदर भी सब ऐसा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा चलो बाहर बाहर चलते हैं। मंडळी शॉपच्या बाहेरच्या साइडला आता आपण आलेलो आहोत आणि इकडे पण काही चॉकलेट आहेत दाखवू देईल। आदिल भाई ये क्या है? ये चॉकलेट है। ओके बार्बीक्यू टिक्स बोलते हैं ना। ओके हे बघू शकता तुम्ही, वेगवेगळ्या जेली चॉकलेट है ना। कितने को है? 240 आहेत मंडळी, 240 रुपये। त्याचबरोबर तुम्ही इकडे बघू शकता वेफर्स वगैरे आहेत वेरियस प्रकारचे, लेस वगैरे। ये कितने का बॉक्स है सर? 180 की। ये मतलब आप MRP पे बेचते हो या कम में बेचते हो? ये इम्पोर्टेड स्टॉक है ना, इसमें MRP नहीं आते। नहीं आते? नहीं। अच्छा ये बाहर से आता है? मेरे पास इम्पोर्टेड ही है। हाँ इसे में MRP आएगा नहीं, सब इम्पोर्टेड है। MRP नहीं आएगा? नहीं। ओके ओके। जो इंडियन रहते हैं ना प्रिंगल्स, वो 99 की MRP आते हैं। हाँ 100 रुपीज़ का मिलता है। हाँ ये 150 का है, ये इम्पोर्टेड वाला है। ये 150 है? हाँ। ओके इसमें ग्राम ज़्यादा आते ग्राम। और ये जो है ये चॉकलेट स्टिक्स वाले चॉकलेट है, स्टिक्स बोलते हैं ना इसको। कितने का डब्बा है ये छोटा वाला? ये 150 का स्मॉल वाला, बिग वाला 280 की। ओके ये 60 ग्राम आएगा। ये 150 ना? हाँ। और ये बड़ा वाला 280। ओके ओके ठीक है, आप रख दो। तर असा प्रकारे आहे मंडळी क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये। मंडळी तुम्ही आलात तर नक्की द चॉकलेट कॉर्नर शॉप नंबर 290-291 ला भेट द्या। क्रिसमस येतो आहे तर तुम्हाला गिफ्ट द्यायला इकडे चॉकलेट मिळतील खूप कमी रेट्समध्ये। आदिल भाईचं आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला आदिल भाईंचा नंबर टाकेन, तुम्ही कॉल करून येऊ शकता किंवा डायरेक्ट पण येऊ शकता। सांगितल्याप्रमाणे शॉप नंबर 290-291 क्रॉफर्ड मार्केट CST जवळ तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारची चॉकलेट मिळून जाते। तर मंडळी आजचा ब्लॉग कसा वाटला हा मला नक्की कमेंट करून सांगा। इकडेच एंड करतो आहे ब्लॉग आणि क्रॉफर्ड मार्केटला येऊन द चॉकलेट कॉर्नरला नक्की भेट द्या। वेगवेगळ्या प्रकारचे चॉकलेट तुम्ही इकडे मस्त या आणि शॉपिंग करा, डिस्काउंट तुम्हाला मिळून जाईल, खूप कमी रेट्समध्ये मिळतात। बाहेरच्या होलसेल मार्केट रिटेल मार्केटपेक्षा इथे होलसेल रेटने विकतात, त्याच्यामुळे खूप कमी रेटने मिळतात। तर एपिसोड कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा, आवडला तर लाईक करा आणि मित्रमंडळी आणि परिवारासोबत शेअर करायला विसरू नका। आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब मात्र करून जा। तर असाच एक नवीन टॉपिक घेऊन म्हणजे पुढच्या ब्लॉगमध्ये भेटूया, तोपर्यंत तुम्ही हसत राहा, चिल करत राहा, एन्जॉय करत राहा, कारण आयुष्य खूप सुंदर आहे आणि हो तुम्ही पण। सो बाय बाय।